हेलो दोस्तों, टेक्निकल आर्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मर्सिडीज बेंज वी क्लास 250 ब्लूटेक कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको ऐसा कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट XCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ वी क्लास का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको GTA 5 DLC पैक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ लीजेंड टू मी का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आइटम DLC पैक्स वी क्लास आइटम, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन ए वीक ओपन कीजिए। ओपन ए वी ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट update.rpf कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTA 5 ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTA 5 ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इसे स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको मैनुअली टाइप करना होगा, आपको टाइप करना होगा V250, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कार आ चुकी है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।